हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये मॉर्निंग की रूटीन है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। इसके पहले चाय वगैरह थोड़ी सी, एक कप हम लोगों ने पी थी, मैंने हाफ कप ही ली थी। तो इधर मैं अभी आलू कट करके मैंने क्या किया, अच्छे से इसको वॉश करके इसका जो भी पानी होता है उसको ड्राई कर लिया है। इस तरह से आलू अगर पहले से काट के अगर आप मॉइस्चर सारा निकाल देंगे ना, तो बहुत ही अच्छी आलू क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ्राई होती है। और फिर से वही गर्मी, मतलब तेज़ धूप, और खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं, और झटपट से खाना बस बन जाए इस तरह का कुछ सिंपल सा, वैसा ही कुछ अभी मूड हो रहा है। तो हाँ, सुबह में मुझे ऐसे फ्रिज खोल के तो मैंने देखा नहीं था कि क्या सब्जियां थी, जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है गर्मी के मारे सुबह सुबह। कल तो एसी चलाना पड़ा रात को, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी देखिए तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, पहले से थोड़ा सा जो ऑयल मेरा बचा हुआ था उसको पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और अभी मैंने हाई फ्लेम करके रखा हुआ है। तो आलू को इसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब इसको हाई फ्लेम पे ही भूनती रहूँगी। तो इस तरह से अगर पोनी, मतलब इस तरह से जुड़ा ऊपर की तरफ मैं हमेशा करके रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब थोड़ा सा भी हेयर अगर टच हुए ना मेरे नेक पे तो इरिटेशन सा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ही। तो अभी सोच रही हूँ हेयर कटवा लूँ कि क्या करूँ, मन नहीं करता लॉन्ग हेयर्स रखने का, और वही है, और ना ही मेंटेन कर पाती हूँ ठीक तरह से। तो ऑयलिंग वगैरह भी उतना नहीं कर पा रही हूँ मैं, और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मतलब ज़्यादा देर अगर ऑयल भी रखूँ ना तो फिर ठंड लग जाती है, तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा भी। तो इसी वजह से थोड़ा सा मेंटेन भी नहीं कर पा रही हूँ, ये ठंड गर्म लग जा रहा है। वैसे तो गर्मियाँ बहुत है, और आपके साइड उधर कहाँ से आप लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो वो भी ज़रूर से कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मैं तो कोलकाता से हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे बोल रही हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। और इधर गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, और आज तो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर जो है 48 के लगभग जाने वाला ऐसा कहा है। तो खैर, गर्मियाँ तो अपनी जगह है, खाना तो बनाना ही है ना। तो ये देखिए हॉट पॉट मैंने सुबह में ही अभी वॉश किया था, इतना सारा पानी इसमें से निकला, सारा का सारा पानी नीचे गिरा है। ठीक है, उसको मैं बाद में पोंछ लूँगी। तो हॉट पॉट को भी मतलब सुबह धोना मैं भूल गई थी, तो आटा मैंने लगा ही लिया है, देखिए अभी भी पानी निकलती जा रही है। तो इसको ना ऐसे साइड करके इस तरह से रखना मैं भूल गई थी, तो इसका जो भी पानी है वो आराम से निकल जाता है। तो यही होता है बीच बीच में। और फ्रिज में सब्जियां तो थी, अभी सब्जी मैं आराम से बना सकती हूँ सुबह में, लेकिन वही है फ्रिज खोल के देखा नहीं, ध्यान नहीं रहा। सामने आलू था तो मैंने कट कर दिया, और भिंडी तो था ही नहीं, तो मैंने कहा था हस्बैंड को ले आने के लिए भिंडी, तो भिंडी बनाऊंगी ये बनाने के बाद, क्योंकि मेरा बेटा बोल लिया सुबह को कि मुझे नहीं खाना है रोटी के साथ आलू, मुझे भिंडी चाहिए। और वैसे भी 3 दिनों से तो भिंडी बनाई नहीं थी, घर में थे भी नहीं अवेलेबल, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि यार सुबह भिंडी लेते आना, और साथ में और कुछ भी वेजिटेबल ले आना, क्योंकि घर में वैसे कोई ख़ास वेजिटेबल है नहीं जो कि बेटा खा सके। तो आज वही फ़िश बनाऊंगी लंच में ड्रम स्टिक के साथ, और ये ब्रेकफास्ट में खाई जाएगी, ये आलू फ्राई मैं बना रही हूँ अभी। तो थोड़ा सा अगर बच जाएगा तो वो सुबह को, सॉरी लंच में भी काम आ जाएगा। तो आज मैं दाल अभी लंच में स्किप करूँगी, नहीं बनाऊँगी मैं दाल। हाँ, अगर रात को ज़रूरत पड़ती है तो मैं बनाऊँगी, ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मैं रात को नॉनवेज वगैरह या फ़िश कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बस लंच में ही खा लेती हूँ। तो यही होता है, और बेटा भी मतलब सिंपल सा ही खाना पसंद करता है रात को, रोटी या फिर उसके साथ भिंडी फ्राई हो गया ऐसे कुछ। तो अभी देखिए काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी मैंने डाल दिया है, अभी इसको आराम से जो है हाई फ्लेम पे, और फ्लेम को कम कर दूंगी जब इसको ढक के पकाऊंगी। तो कल मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो कल बेटे के स्कूल जाना था, फॉर्म वगैरह सबमिट करनी थी,
तो वो काम तो हो चुका है। और आते आते हम लोगों को तो 10:15 बज गए थे और निकले थे हम लोग घर से सुबह 8:30 बजे के करीब। थोड़ा सा टाइम लगता है स्कूल जाने में। और एक हफ्ते के बाद हम लोगों को फिर से विज़िट करना है स्कूल। तो जब भी बाहर का कुछ ऐसा काम होता है तो शूटिंग वगैरह नहीं हो पाता है ठीक तरह से, और गर्मियाँ तो इतनी तेज़ हैं तो मतलब कि जैसे जैसे भी वीडियो शूट कर पा रही हूँ, गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी और क्रिटिकल होता जाएगा सिचुएशन। तो एक तो मतलब किचन में जो लाइट जल रही है उसकी हीट तो आती है, फिर ओवन इसकी जो फायर है उसकी हीट आ रही है, और फिर जो शूटिंग वगैरह करती हूँ कैमरे से एक अलग ही हीट निकलती है। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है ये शूटिंग वगैरह करने, फिर भी करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो फिर वीडियो नहीं जाएगा आपके पास। तो अभी दूध वाले भैया भी आ गए थे, फटाफट से अभी दूध मैंने चढ़ा दिया है। और एक तरफ मैं बना लूँगी रोटियाँ और आलू फ्राई तो मैंने कर ही ली है, और ये करने के बाद मैं भिंडी फ्राई कर लूँगी क्योंकि बेटे की डिमांड है कि वो भिंडी के साथ ही खाएगा। तो अभी मार्केट से आई हुई थी भिंडी, तो उसको पानी में मैंने भीगने के लिए रख दिया है। और अभी सारी सब्जियाँ मैं वॉश नहीं करूँगी, मैं फ्री हो जाऊँगी खाना बना के पूरा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं सब्जियाँ वगैरह वॉश करूँगी। और बाहर आप देख सकते हो कितनी धूप है, मतलब कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कड़ी धूप अभी हो रही है। और जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उन लोगों को हीट वगैरह लगती है। तो अच्छे से अपने स्किन को कवर करके निकला करें, मतलब जो बाहर जाते हैं मतलब ऑफिस वगैरह उनके लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो फिर जो है गर्मी की से स्किन ख़राब हो सकती है। और गर्मियों में जितना आप अपने आप को कॉटन कपड़े से ढक के रखिए उतना अच्छा है।
और आज मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह का काम भी करूँगी, लेकिन हाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एडिटिंग का उतना लंबा वीडियो हो जाता है, फिर एडिटिंग का टाइम भी लग जाता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए सेपरेट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और किचन की ये जो फ्रंट्स की जो टाइल्स आप देख रहे हो वाइट और ब्राउन की कॉम्बिनेशन में, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही, मतलब इसमें ऑयल चिपचिपा सा हो गया है, इसको भी आज क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है होता है ये सब, और मुझे तो ज़्यादा मेहनत की इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत दिनों से नहीं कर पाई थी मैं, इसी वजह से तो तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी, इसी वजह से ये सब काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके अगर डेली भी करती रहूँगी, एक दिन ऑल्टरनेट करके, तो भी ये पूरा क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो वही है, अभी थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इसी वजह से ज़्यादा टाइम डस्टिंग में तो नहीं दे सकती हूँ मैं। हाँ, लेकिन कभी कभार जैसे कि टाइम मिल गया तो फिर मैं ज़रूर कुछ ना कुछ डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, या फिर कुछ अगर टाइल्स वगैरह क्लीन करनी हो तो वो भी कर लेती हूँ। तो अभी 5 से 6 रोटियाँ बनानी थी, ज़्यादा नहीं, बस फटाफट से अब रोटियाँ भी बन जाएंगी, और इधर दूध भी मैंने चढ़ा दिया है, देख सकते हो आप। और डाइनिंग का मैंने फ़ैन ऑन करके रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है, ऐसे हवा तो नहीं लगती है लेकिन हाँ थोड़ा सा राहत मिलती है फ़ैन वगैरह डाइनिंग के चला देने से। और किचन में तो कोई फ़ैन नहीं है, तो यही है कि इसीलिए थोड़ा सा गर्म ज़्यादा लगता है। और ये देखिए एक उबाल आ चुका है, दूध को अच्छे से और 10 मिनट तक मैं जो है बॉयल करूँगी, और गर्मी आ गई है अभी 3 टाइम तो दूध अच्छे से बॉयल करना ही होता, नहीं तो फिर ख़राब हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो 5 बजे के करीब मैं एक बार फिर से दूध को गर्म कर लेती हूँ, और रात को सोने से पहले भी एक बार अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। तो इतना सारा डस्ट देख रहे हो, ये आटा उड़ता है बहुत ज़्यादा, तो यही होता है, थोड़ा सा कैमरे में भी पता चल रहा है। तो इसको अच्छे से अभी क्लीन करूँगी, और ये आटे की बाल्टी में मैंने आटा को रख दिया है, अभी ये सब आती है नंबर इसकी क्लीन करने की। तो एक तरफ तो बर्तन धो के रखे हैं, वो जब तक ना सूखे उसको कैबिनेट में नहीं डाल पाऊँगी, तो उसको अच्छे से पोंछ के फिर कैबिनेट के अंदर डालूँगी। तो साफ़ सफाई का काम तो हमेशा ही चलते रहता है, ये मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली जो काम है, डस्टिंग वाली और कुकिंग वाली, और ये सब मैं हाथों हाथ में क्लीन कर लूँगी क्योंकि फिर रखूँगी तो फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, फिर हेडेक सा हो जाता है। और ये जो आटे की बाल्टी है ना, इसके ऊपर भी अच्छे ही डस्ट जो जमा होती रहती है, तो इसको भी लगे हाथ एक बार कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो अभी बेटे से बात भी कर रही थी बीच बीच में, और मुझे आवाज़ भी लगाया जाता है बीच बीच में कि मम्मा इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से फ्राई करो, मुझे भूख लग रही है, ऐसे करते चिल्लाते रहता है, मेरा दिमाग खाते रहता है वो भी। तो मेरे तो दो ही हाथ है, कितनी जल्दी करूँ मैं भी,
तो भिंडी को थोड़ा सा पानी में भी डाल के रखा था मैंने, तो अभी अच्छे से उसको ड्राई करके कट कर दिया था मैंने। बात करते ही करते मेरा कटिंग भी हो चुका है, ये देखिए कैसे मुंह बना बना के बोल रहा है। और उसको आलू फ्राई खानी नहीं है, वैसे तो मेरा ब्रेकफास्ट बन ही चुका है, वो भिंडी के लिए वेट कर रहा है। तो क्या आपके भी घर में छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना ज़रूर। और सब्जियां जो भी आई हुई थी उसको मैं अभी देख लूँगी, चेक कर लूँ क्या क्या है, लेकिन अभी नहीं धोऊंगी उसको, अभी एक जगह एक साइड में रख करके रख दूँगी। और सब्जियां जब मार्केट से आती है ना एकदम फ्रेश सी, तो ताज़ी ताज़ी सी, तभी अगर बनाओ ना तो बहुत अच्छा एक स्वाद आता है खाने में, है ना। जो कि फ्रिज में स्टोर करके अगर आप रख दो 2-3 दिन बाद, तो वो वैसा वाला टेस्ट नहीं आता है। तो फिर भी डेली मार्केट जाना तो पॉसिबल होता नहीं, इसी वजह से 2-3 दिन की भिंडी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मंगा के रख देती हूँ, ताकि अगर बच्चे को कभी भी खाना हो तो मैं फटाफट से फ्रिज से निकाल के बना सकूँ। और अभी ना मतलब मॉर्निंग के टाइम में बाज़ार जाने को भी मन नहीं होता इतनी गर्मी में, मन तो करते इवनिंग में जाके बाज़ार वगैरह करूँ, तो वही सोच रही हूँ अभी इवनिंग में जाके सब्जियाँ वगैरह मैं खुद ही जाके ख़रीद लूँगी। और सुबह में सच कहें तो मतलब 8 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा है, 8 साढ़े 8 बजे के बाद तो धूप तेज़ होने ही लगती है, फिर मन नहीं करता है कोई काम करने का, बाहर जाने का तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है। और अभी ये जो फिश आप देख रहे हो ये अभी आई हुई है, तो धो के अच्छे से इसको जो है नमक हल्दी के साथ मिला के रख दिया है मैंने। और थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ फ्राई करके रख देती हूँ, तो नेक्स्ट डे काम आ जाती है। तो इस कढ़ाई में ना ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश फ्राई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी गोल है ना, मतलब डेप्थ इसका जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे जो चपटी वाली कढ़ाई आती है उसमें फिर भी 6-7 पीस आराम से जो है एक बार में कवर हो जाते हैं, लेकिन इसमें 4 से ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। और फिश में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है क्योंकि उसको फ्राई करना होता है तेल में, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल में वो अच्छे से फ्राई हो सकती है, नहीं तो फिर लग जाएगी नीचे। और मुझे इसकी बनानी है ग्रेवी, तो इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही दिया है मैंने। प्याज लहसुन टमाटर इधर मैंने देखिए ग्रेट करके रख दिया है, और सारी की सारी फ्रेश मैंने फ्राई कर ली है। और इधर ड्रम स्टिक को भी धो के अच्छे से सेपरेट रख दिया था, तो नमक हल्दी के साथ इसको भी जो है हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये झटपट से जो है बन जाती है, कुक भी बहुत जल्दी हो जाती है। और इधर मैं बीच बीच में जाके बेटे को चेक भी कर रही थी क्या कर रहा था, एक्चुअली बेटे के नहाना वगैरह सब हो गया है, तो वो अभी मस्ती कर रहा है, अभी वक्त खेल रहा है। और इधर देखिए मैं नमक और हल्दी अभी डाल रही हूँ उसमें, तो अलग से कोई सब्जी तो अभी बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ड्रम स्टिक में फ़िश में डाल देती हूँ। और हाँ मुझे रात को थोड़ी सी दाल बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि ये सब्जियां तो मतलब रात को मैं नहीं खाऊंगी, तो थोड़ा सा दाल मुझे बनाना पड़ेगा। तो
ये ड्रम स्टिक जो है आपसे बात करते करते अच्छे से फ्राई देखिए हो चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा इसको लाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्द से जल्द सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आती है मेरी चैनल के कंटेंट में से कुछ भी अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूले ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो अपलोड के लिए। तो आपसे बात करते करते देखिए इसमें टमाटर भी जा चुके और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर फटाक से जो है मेल्ट हो जाए, मतलब सॉरी टमाटर जो अच्छे से गल जाए जल्दी से। और बस बेसिक से जो भी मसाले होते हैं हल्दी पाउडर वो सब मैं डाल दूँगी, और इस कड़ी में सिर्फ जीरा पाउडर ही जो है एक्स्ट्रा जाता है, बाकी के तो बेसिक मसाले ही होते हैं। तो इसको चला लूँगी बीच बीच में, और ध्यान देना होता है यहाँ पे, नहीं तो फिर जल जाएंगी। ये नहीं कि आप किसी और काम बिज़ी हो गए और इधर आप भूल गए तो फिर इसमें जल जाती है। बीच बीच में आपको चेक करते रहना, मतलब मिलाते रहना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने दे दिया क्योंकि मुझे अभी बेटे को देखने भी जाना, वो क्या कर रहा है, बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है ना बीच बीच में, क्योंकि वो कब क्या कर बैठे कुछ समझ नहीं आता, मतलब खेल खेल में मस्तियाँ वगैरह करते करते, तो इसी वजह से थोड़ा सा चेक करना होता है और कुछ नहीं है। तो वो घर पर ही अभी, और ये देखिए टमाटर भी गल चुके हैं, तेल छोड़ना स्टार्ट कर हो गया है इसका। तो ये सारी फिश ना ऐसे फ्राई करके भी ऐसे भी खाई जाती है, ऐसे भी अच्छा लगता है, और मुझे तो ये इस फिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ग्रेवी वाली भी बहुत ही अच्छी लगती है, मैं तो फ्राई नहीं खाती हूँ, मैं ग्रेवी वाली ही खाती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे अगर छोटे हैं तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे ही फ्राई वाली ही। लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो स्पून जो है ग्रेवी बेटे को भी देती हूँ राइस के साथ। Thank you.
और ये देखिए नमक भी मैंने डाल दिया है और अंदाजे से मैंने पानी भी डाल दिया है जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी, और ज़्यादा नहीं ये ग्रेवी बचेगी क्योंकि इसमें फिश जाएगी, तो फिश के साथ इसको थोड़ा 5-6 मिनट तक जो है बॉईल करूँगी तो थोड़ी सी ग्रेवी कम हो जाएगी, तो इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा तभी मैं इसमें फ़िश को डाल दूँगी। इसमें फ़िश का हेड भी है तो हेड तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, वो तो ग्रेवी में ही अच्छी लगेगी। और लगे हाथ मैं इधर थोड़ा सा क्लीन भी करती रहती हूँ ताकि बाद में जाके थोड़ा सा मुझे मेहनत कम पड़े, बाद में तो एक बार और अच्छे से इसको क्लीन करना ही है। देखिए एक एक करके मैं अभी इसमें फ़िश डाल रही हूँ और अच्छे से एक बॉईल भी आ गया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं ढक के पका दूँगी और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ड्रम स्टिक भी आराम से कुक हो जाएगी। आलू तो मैंने डाले नहीं है, थोड़ा सा आलू डालने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है पकने में, नहीं तो। और ये फटाफट से सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक हैं, बस मैं इसको ग्रेवी के साथ जो है पका लूँगी अच्छे से 5 मिनट। तो कुकिंग हो गई है मेरी आज की, ये लंच ब्लॉग मेरी यहीं तक थी। अब आती है बारी साफ़ सफाई की, तो पूरे ओवन को और जो भी यहाँ पे बर्तन जमा है वो सब कुछ मुझे क्लीन करना है फटाफट से अभी। और बस आज का ब्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक। फ्रेंड्स अगर पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें। मेरे ब्लॉग को यूँ ही देखते रहिए, तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।